सूरत महेश्वरी नव युवक मंडल द्वारा सूरत रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पानीनु परबनु लोकार्पण करवामां आव्युं हतुं। सूरत एक सेवा नगरी तरीके ओळखाय छे त्यारे सेवा कार्यो करवामां हमेशा आगळ रहेनार महेश्वरी समाज संस्थाना श्री महेश्वरी नव युवक मंडल द्वारा सूरत रेलवे स्टेशन ना प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पानीनी परबनु लोकार्पण करवामां आव्युं हतुं। लोकार्पणना समय सूरत रेलवे स्टेशनना एआरओ दिनेश वर्मा, सीएमआई रामचंद्र शर्मा, एसएस अधिकारी आनंद शर्मा तेमज गुजरात प्रदेश महेश्वरी समाजना अध्यक्ष गजानंद राठी, महेश्वरी सेवा सदनना अध्यक्ष रमेशलाल तापड़िया, त्रिकमनगर महेश्वरी सभाना पूर्व अध्यक्ष जगदीशभाई कोठारी सहित समाजना अनेक महानुभावों उपस्थित रहा था। तेमज अगाउ पण तेमना द्वारा रेलवे स्टेशननी बहार पाणीनुं परबनुं लोकार्पण करवामां आव्युं हतुं अने हाल सिविल हॉस्पिटलमां एक डझन जेटला पाणीनुं परबनी व्यवस्था करवामां आवी छे। आवा सेवकीय कार्य बाबते वधु माहिती एबी न्यूज चेनले आयोजको पासेथी जाणी हती। नारायण पेड़ीवाल, सचिव महेश्वरी नायक मंडल सूरत। आज हम लोग रेलवे स्टेशन पर एक प्याऊ बना रहे हैं। काफ़ी दिनों से इच्छा थी हमारे को बनाने की, तो हम लोगों ने इसका एक एआरओ साहब को लेटर दिया, उन्होंने परमिशन दी और हम लोगों ने बनाया। और हम लोग हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन वहाँ पर आरटीओ ऑफिस के पास एक शीतल जल का लगाते हैं। ये साल थोड़ा मन में थी, बाकी गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली तो प्याऊ का काम हो गया हमारे लिए। हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, एक प्याऊ भी हो गई और हमारा वो काम भी हो गया अनंत चतुर्दशी के। इसमें डेली समझ लो हज़ारों आदमियों की को लाभ मिलेगा। इसमें समाज के कम से कम 50 आदमी यहाँ पर आए हुए, सब वरिष्ठ आदमी है। कुछ रेलवे की हमारी लिमिटेशन थी, इसीलिए हम लोग इतने ही बुलाए हैं। विष्णु राठी, महेश्वरी नियुक्त मंडल सदस्य। आज हमने यहाँ पे अपनी नई प्याऊ का उद्घाटन किया है प्लेटफॉर्म नंबर एक पे सूरत पे, और ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जगह पे हमको एआरओ साहब ने हमको मुहैया कराई, जिससे हम यहाँ पे हज़ारों जन का पानी पी के यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं डेली। यहाँ पे हमने बड़ा कूलर लगा रखे हैं, जिसमें ठंडा पानी तीन नलों में, छः नलों में ठंडा पानी चलेगा और छः नलों में सादा पानी चलेगा, जिससे दोनों प्रकार के, जिसको ठंडा चाहिए ठंडा और जिसको सादा चाहिए सादा, दोनों पानी का लाभ उठा सकेंगे।